हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूँ कि आपकी RTC की लिस्ट तो जारी हो गई है, बट आपकी JTC कब से है, तो ये कन्फर्म डेट मैं आज इस लिस्ट में वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो फिलहाल अभी आपकी RTC की डेट है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे दी गई है, तो आपकी जो JTC है वो कन्फर्म हो गई कि 8 मई से ही होगी। तो मैं चलिए इसका पूरा प्रूफ आपको मैं सामने दिखा देता हूँ कि किस बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये JTC आपसे 8 मई से ही स्टार्ट होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेज जो फैक्स या ईमेल करके भेजा गया है RTC 2019 के लिए पुलिस परीक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश, तो आप देख सकते हैं 26 अप्रैल को भेजा गया है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे पूरा पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो किस विषय पर है और किस लिए है। वर्ष 2018 में चयनित 23,238 क्रूड आरक्षी पुलिस का दिनांक 3/6/2019 से 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण संपन्न कराने हैं। तो आवंटन तो आपका जहाँ पे जो RTC है ये 6 तारीख 3 जून से स्टार्ट होना है, तो आपकी जो JTC होगी इससे 1 महीने पहले ही होगी, यानी कि 8 मई से कंफर्म हो गई है कि आप लोगों की जो JTC है वो 8 मई से स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए और सारा डिटेल इसमें हम जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या है। उक्त शासनादेश के क्रम में अपर सचिव पुलिस महानिदेशक स्थापना मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या DG 4/173/165 2018 दिनांक 3/4/2019 द्वारा 23,238 क्रूड आरक्षी नागरिक पुलिस को JTC के का जनपद आवंटन कराते हुए इन्हें दिनांक 29/4/2019 के बजाय अब 3/6/2019 से 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको जो आधारभूत प्रशिक्षण की जो RTC है उससे पहले आपकी JTC होने वाली है, तो आपकी जो JTC है ये 8 मई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये कंफर्म हो गया है इस पर, और इसमें आप पूरा यही देख सकते हैं अगर, और PDF आप मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से अपना जो अपना डिस्ट्रिक्ट है वो अपना डिस्ट्रिक्ट चेक कर सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है आपके RTC कहाँ पे होगी, ठीक है। अभी ऊपर ये महिलाओं का दे रखा है, बाकी उसके बाद नीचे पुरुषों का भी इसमें दे रखा है कहाँ पे कितने पुरुष जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें पूरा आवंटन किया गया है RTC का। और आपको अगर और कोई कोई दिक्कत होती है, डाउट होती है, यहाँ पे कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर, कंट्रोल रूम फैक्स नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया गया है, आप ईमेल आईडी भी देगा, आप यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे कांटेक्ट करके अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को आपको पसंद आई, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।